तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हम जो रिलीफ रेशन किट जो है वो हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे एक पैकेट में ये है दाल जो कि मसूर दाल है, और उसके साथ साथ यहाँ पे चावल है, आलू है, उसके साथ साथ सोयाबीन का पैकेट है, और भी कुछ हम ऐड करेंगे इसमें और ये देने वाले हैं हम। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। ये देख सकते हैं हमारा पैकेटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पूरा पैकेज देख सकते हैं जो पूरा रेडी कर चुके हैं हम। ये हमारे रोबिन हुड आर्मी बिलासीपारा चैप्टर की तरफ से ये हम कल डोनेट करेंगे फ्लड अफेक्टेड लोगों को। हम सारों ने मिलकर, हमारे ज्योतिर्मय दा दीदी ने मिलकर हम ये पैकेट किए हैं, तो हम जाके ये कल डोनेट करने वाले हैं। तो देखते रहिएगा वीडियो को। मैंने फ्लैट का भी ब्लॉग बनाया था, तो इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ बनाने का। कई सारे बिलासीपारा के डोनर ने ये सब हमें दिए हैं, तो उन लोगों को दिल से धन्यवाद, ताकि उन लोगों की वजह से हम ये कर पा रहे हैं अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, आरकेएस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो तो ये पहले ही शुरू हुआ है, तो आज हम जा रहे हैं फ्लैट जो फ्लैट हुआ है हमारे यहाँ पे उसके रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारे रोबिन हुड आर्मी बिलासीपारा चैप्टर की तरफ से हम ये कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उस प्लेस में जो कि है बामुनपारा में। आज हम बामुनपारा और भी कुछ एरिया में जहाँ पे लोग फ्लैट अफेक्टेड हुए थे उस एरिया में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कैसे हम ये सब देते हैं लोगों को, जिन लोग काफ़ी उन लोगों को तकलीफ हुआ था इस फ्लैट की वजह से, तो उन लोगों को थोड़ा हेल्प करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू होता है वीडियो। भाई कुछ बोलो, आज क्या करने के लिए जा रहे हो तुम लोग? खाना खाने के लिए। क्या करने? क्या खाना खाने के लिए या देने के लिए? देने के लिए। बी ब्रदर्स ऐसे बी ब्रदर्स ब्लॉग भी आए आज। अरे भाई जामू तो है, तो अधर्ज हो जाते तो बामुन पड़ा जामू। तो हम यहाँ पे बामुनपारा में आ चुके हैं, लगभग आ ही गए ही। यही है हमारा आज का लोकेशन जहाँ पे हम ये जो रेशन किट है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम 50 फैमिलीज़ के लिए लेकर आए हैं, मतलब 50 रेशन किट्स हम लेके आए हैं यहाँ पे देने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अभी भी पानी है यहाँ पे बहुत। बिलासीपारा बामुनपारा एरिया में देख सकते हैं आप लोग अभी भी कितना पानी है। यहाँ पे लोग थर्मोकोल बोर्ड से आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग अभी तो पानी सूखा है, लेकिन पहले इससे भी बहुत ज़्यादा पानी था जब पानी हुआ था। तो देख सकते हैं आप लोग बाढ़ की वजह से कितना तकलीफ़ होते हैं इन लोगों को। तो हम आए हैं यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा कुछ हमारे NGO की तरफ से, रोबिन हुड आर्मी बिलासीपारा चैप्टर की तरफ से हेल्प करने के लिए। ये जो डोनेशंस 50 रेशन किट्स आज हम लाए हैं, ये हम लोगों को हमारे ही कुछ बिलासीपारा के लोगों ने दिए हैं, हम लोगों को मतलब डोनेट किए हैं उन लोगों ने। उसके बाद ही हम ये कर पा रहे हैं इन लोगों के लिए, इन लोगों को थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, वो ही सफल हो रहा है हमारे डोनर के वजह से। तो थैंक्स टू ऑल आवर डोनर, उन लोगों के वजह से ही ये काम आज पॉसिबल हो रहा है। फ्लैट के बाद पानी सूखने के बाद भी बहुत सारे जगहों में क्रिटिकल कंडीशन रहता है, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना क्रिटिकल कंडीशन अभी भी है। हो सके तो आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए इन लोगों को, सिर्फ इसी एरिया में नहीं, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को ऐसा कंडीशन, आप लोग क्रिटिकल कंडीशन आप देखते हैं वहाँ पर आप लोग हेल्प कीजिए। बिलासीपारा में फ्लैट कंडीशन कैसा हुआ था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, और आज RHA बिलासीपारा के तरफ से जिन लोगों को फ्लैट के वजह से नुकसान पहुँचा है उन लोगों को थोड़ा कुछ हेल्प करने का ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब है, जो कि है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी आके इन लोगों को, मतलब फ्लैट की वजह से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उन लोगों को थोड़ा हेल्प करें, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया, यही कारण है वीडियो बनाने का। और आज हम ये जो ड्राइव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, जो कि हम रोबिन हुड आर्मी बिलासीपारा चैप्टर की तरफ से कर रहे हैं। रोबिन हुड आर्मी एक इंटरनेशनल NGO है, जो कि आप लोगों को पता होगा ही। 3 कोर प्रिंसिपल है वहाँ पे, उसमें पहला वाला जो कोर प्रिंसिपल है ये एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर हम किसी से भी डोनेशन के हिसाब से पैसा नहीं ले सकते हैं, हम यहाँ पर मॉनेटरी डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो कोर प्रिंसिपल है वो है ये NGO,
मतलब ए पॉलिटिकल है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर के साथ इस एनजीओ का कोई भी संबंध नहीं है। और थर्ड वाला जो कोर प्रिंसिपल है वो है हर रिलीजियस को इस एनजीओ के तरफ से, हम जो ये काम करते हैं हम हर रिलीजियस को समान रिस्पेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ हम हर रिलीजियस को सर्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रॉबिनहुड आर्मी बिलासीपारा चैप्टर की तरफ से लोगों को थोड़ा कुछ हेल्प करने का प्रयास किए, तो आगे भी हम ऐसे हेल्प करने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कुछ डोनेट करना तो डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर रहेगा, फ़ोन करके कॉल करके आप बात करके डोनेट कर सकते हैं। सामान के हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। तो अगर चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़, खाने का चीज़ या फिर ड्रेस, जो भी हो आप डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं हमें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।